कौमी हीरो मोहम्मद रिजवान के अहले खाना आज के मैच में जीत के लिए पुरअज़्म है। पेशावर में कौमी क्रिकेटर के घर पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे काशान अवान मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कौमी हीरो मोहम्मद रिजवान के घर में, और क्रिकेट से उनका आप शौक देख सकते हैं कि उन्होंने अपने घर का एक कमरा जो है वो अपनी ट्रॉफीज के लिए मुख्तस किया हुआ है। बहुत खूबसूरत अंदाज में यहां पर उनकी जो यादें हैं उनको महफूज किया गया है। ये मेरे पीछे आपको अगर कैमरे की आंख दिखाए तो इधर उन्होंने जितनी भी परफॉर्मेंसेज दिखाई और ट्रॉफीज ली और कप्स वगैरह लिए तो वो पड़े हैं। इस वक्त मैं इनकी फैमिली के साथ मौजूद हूं। मोहम्मद रिजवान के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि अस्सलाम वालेकुम सर, पहले ये बता दें कि दो मैचेस तो जीत गए, अब आज अफगानिस्तान के साथ मैच है, क्या तवक्कुआत है रिजवान से? अल्हम्दुलिल्लाह जमिया, सबसे पहले जी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम कि जिस तरह परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने दी और ये दो मैच विन हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही तवक्को की जा रही है कि जिस तरह मतलब तीनों डिपार्टमेंट्स में, बैटिंग में, फील्डिंग में और इसी तरह बॉलिंग में जान मारी प्लेयर्स ने, अगर इसी तरह खेलते रहे तो उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह कि अफगानिस्तान से मैच भी इंशाल्लाह जीतेंगे। मेरे साथ इस टाइम पर रिजवान क्रिकेटर रिजवान के भांजे मौजूद हैं साथ, मैं उनसे बात करूंगा। जी बेटा, ये बताएं कि मामू की परफॉर्मेंस देख रहे हो, कैसी लग रही है और क्या कहना चाहोगे? कंप्लीट इंडिया, और इंडिया को कैसे हराए थे ऐसे अफगानिस्तान को भी हराएंगे। इंडिया को हराया था छोटा साद रिजवान, आपको ये कह रहा है कि मामू वेल प्लेड, जैसे इंडिया को हराया था आज आपने अफगानिस्तान को भी वैसे ही हराना।